बिहार में बागेश्वर धाम के महाराज विजेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम, आतंकी हमले का खतरा, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। निकी यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। श्रद्धा हत्याकांड की तरह फ्रिज में रखा गया था शव। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की। राज ही रह गया अतीक का आतंकी कनेक्शन। आईएसआई एजेंट मिलान लश्कर का हैंडलर, पाकिस्तानी कारतूसों का राज जो अभी भी नहीं खुला। उत्तराखंड में कार्रवाई की जद में आए सैकड़ों मजारों का कोई बारिश नहीं। अब तक 314 ध्वस्त, एक मस्जिद को नोटिस। लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई जारी, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। आज यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है। कुछ जिलों में बीजेपी आगे चल रही है तो कुछ जिलों में सपा और बीएसपी बढ़त बनाए हुए है। कुछ ही देर में यूपी के नगर निकाय चुनावों की तस्वीर साफ होने वाली है। हालांकि कुछ कुछ तस्वीर साफ नजर भी आ रही है। बस्ती नगर पालिका के दूसरे राउंड में सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। सपा के उम्मीदवार 2048 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहां पहले राउंड में भी सपा के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए थे। जालौन के उरई नगर पालिका से अध्यक्ष पद पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। उरई नगर पालिका के कुल 34 वार्ड हैं जिसमें सपा 7 पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 6 बीएसपी, 9 कांग्रेस, 2 अन्य 10 वार्डों में आगे चल रहे हैं। तो तस्वीरें 4 जिलों की आपकी टीवी स्क्रीन पर, कन्नौज, बागपत, बिजनौर, फिरोजाबाद, जहां लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है ताकि वहां किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच मतगणना जारी है। ऐसे में राजनीति के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज शहरों की सरकार के नतीजे आने वाले हैं। यूपी निकाय चुनाव 2023 के रिजल्ट आज सुबह से ही सामने आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नगर निगम से लेकर नगर पालिका में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। अंकित, गाजियाबाद में अजीत, जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार ये खबर सामने आ रही है कि अभी तक जो रुझान है वो बीजेपी के पड़ले में है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दोनों तरफा कह सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जैसे जैसे रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि टक्कर जो है वो तमाम जो सपा विपक्षी पार्टियां हैं आपस में काफी टक्कर दे रही हैं। आपको बता दें कि लोनी में, इसी प्रकार से आपको लोनी की अपडेट बता दें, तो लोनी में सपा आरएलडी की जो रंजीता धामा है चेयरमैन, जो प्रत्याशी है रंजीता धामा, वो आगे चल रही है बीजेपी से। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ आप बात करेंगे खोड़ा नगर पालिका की, तो वहां पर वो रीना भाटी पीछे चल रही है। और आपको बता दें कि निर्दलीय खड़ी है मोहिनी शर्मा, जो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा की पत्नी है, धर्मपत्नी है, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हुई थी, वो आगे चल रही है 2000 वोटों से आगे चल रही है। और आपको बता दूं वहीं गाजियाबाद के जो सिटी, गाजियाबाद सिटी से सुनीता दयाल जो चेयरमैन है गाजियाबाद की, वो आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कहीं बढ़त बनाई है तो कहीं निर्दलीय पार्टी का भी जो दमखम है वो दिखाई दे रहा है। जी जी अजीत, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है, ऐसे में कितने राउंड की मतगणना अभी तक गाजियाबाद में हो गई है?
देखिए मैं बता दूं आपको कि लगातार जो रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और लगातार जो बॉक्स हैं वो खोले जा रहे हैं। तो ये 12वें राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है, कहीं 10वें राउंड की मतगणना चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रुझान है वो सामने देखने को भी मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें भी गाजियाबाद के जो नगर निगम के जो पार्षद का परिणाम है वो भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप बता दूं कि वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय जो खड़ी हुई थी नीता मंजू ने जीता है और वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय मीनल जीती है और वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी हैं जो कि जीत हासिल किया है इन्होंने और वार्ड नंबर 16 से नीलम जाटव है भाजपा की प्रत्याशी है, इन्होंने भी जीत हासिल की है। वहीं वार्ड नंबर 24 की बात करें तो भाजपा की जो सीट है वो लिख ली गई है और वार्ड नंबर 45 की बात करें तो भाजपा ने भी इस पे बाजी मारी है और वार्ड नंबर 21 से आनंद गौतम निर्दलीय जीते हैं और 23 वार्ड नंबर 23 की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जो जगत सिंह है वो जीते हैं। वार्ड नंबर 25 की बात करें तो बीजेपी के कन्हैया जीते हैं। वार्ड नंबर 14 की बात करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश प्रत्याशी हैं, ये इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 15 से बीजेपी की प्रत्याशी है पूनम सिंह, इन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल मुलायम जीते हैं। यहाँ तक की आपको बता दूं कि पार्षद पद की जो दावेदारी है प्रत्याशी है ज्यादातर निर्दलीय देखा जाए तो टक्कर है और आपको बता दूं कि बीजेपी जिस तरीके से धीरे धीरे अपना जो सीट है वो भी कई जगह ऐसी है जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज हासिल की है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है जो टक्कर दे रहे थे उन्होंने भी कहीं जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर भी बाजी मारी है। जी चलिए ठीक है अजीत। हिमांशु जिस तरह से लगातार रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कानपुर की इस समय बात की जाए तो कानपुर में कितने राउंडिंग मतगणना जो है वो अब तक हो चुकी है? पूनम जी मैं आपको बता दूं यहाँ 6 राउंड की मतगणना पूरी करी जा चुकी है, उसके बाद अभी यहाँ लंच का कार्यक्रम था तो अभी यहाँ जो ड्यूटी पर लगाए जाते हैं वो अभी लंच कर रहे हैं। और कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है लगभग वो 20,120 वोटों से आगे चल रही है। अगर हम पार्षदों की बात करें यहाँ तो जो 17 पार्षदों के रिजल्ट यहाँ आ चुके हैं जिनमें की 9 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, 3 पर साइकिल चली है, 3 निर्दलीय जीते हैं, 2 यहाँ कांग्रेस के खाते खुले हैं इस समय कानपुर में। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से लगातार बीजेपी ने बड़ी बड़ी रैलियां की उत्तर प्रदेश में और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है, अयोध्या की अगर बात की जाए, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में कानपुर में लोगों के जो बुनियादी मुद्दे थे वो क्या रहे चुनाव में? जी कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में सबसे बड़ा मुद्दा रहा सीवर का, पानी का और सड़कों का, ये बुनियादी मुद्दे रहे। लोगों की अगर स्वास्थ्य की भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको कि पूरा करने के लिए काफी प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो नए एक डिसीजन रहा, जैसे मान लीजिए कानपुर में 110 वार्ड है, 110 वार्डों में से कई ऐसे वार्ड है जहाँ लोगों को सही पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, दूषित पानी वो लोग पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने इसको भी अपना मुद्दा बनाया। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो बड़े वार्ड है वहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण लोगों को दूर जाना पड़ता था जिला अस्पताल की तरफ से, उसको भी कहीं ना कहीं उससे भी मांग इस बार उठाई गई है कि जो क्षेत्र में अगर अस्पताल होगा तो लोग वहां पे अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। और सफाई की अगर हम बात करें तो कानपुर की संख्या बहुत ज्यादा है जनसंख्या की बात करें, और जो सफाई कर्मचारी है उनकी संख्या बहुत कम है उसकी अपेक्षा देखी जाए, तो कहीं ना कहीं सफाई का भी एक विशेष मुद्दा जो है कानपुर के लिए वही बनकर इस बार उभरा है। और जो पार्षद के चुनाव हुए यहाँ की सरकार बनाने का वो सफाई का उसमें अहम भूमिका निभाई गई है और सफाई को प्रायोरिटी भी दी गई है जिसको लेकर ये पूरा चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल कानपुर में अगर बात की जाए तो इस समय मतगणना स्थलों पर किस तरह का उत्साह प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है हिमांशु? पूनम जी प्रत्याशियों में काफी ज्यादा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और लोगों के अंदर खुशी भी है। हालांकि नए नए यहाँ पे जो कभी नहीं जीते थे या जिन्होंने पहली बार यहाँ आवेदन किया था वो भी जीते हैं और जो कई बार यहाँ आ चुके थे रनर तो उन्होंने भी इस बार अपनी किस्मत आजमाई थी वो भी जीत दर्ज करी है। और सबसे खास बात यहाँ ये भी रही कि जो लगातार 5 से 6 बार यहाँ पार्षद रहे उनका भी इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। तो ऐसे में जो लोग नए जीते हैं या जो यंग यहाँ पे जो नए लड़के और स्टूडेंट यहाँ जो 3 निर्दलीय प्रत्याशी मतलब पार्षद बने हैं उनमें भी कहना कहीं बहुत ज्यादा उत्साह रहा। और अगर हम बात करें तो यूपी में इस समय जो बीजेपी का रुझान चल रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी यहाँ काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल।
अजीत, अगर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो गाजियाबाद में पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण के मतदान में भी लोगों ने चुनाव को लेकर बहिष्कार जताया था, पोस्टर लगाए थे, ऐसे में वहां आज मतगणना हो रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरह के देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कई जगह पे ऐसे थे, ऐसी जगह थी जहाँ पर ज्यादा, जैसे लोनी है, खोड़ा है, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि दिक्कतें आई भी थी। और आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। आला अधिकारियों के संरक्षण में सारी जो गिनती है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जगह ऐसे भी थे जहाँ पर ये जिनका रुझान सब सामने आया, वहां पर देर से अधिकारी पहुंचे और वहां पर देर से काउंटिंग की गई है। उसके बाद आपको बता दूं कि लोनी के कई जहां मतगणना जिस दिन मतगणना की किया जा रहा था, तो विवाद गाजियाबाद में विवाद सबसे ज्यादा जो हुआ वो लोनी के अंदर विवाद हुआ, और वहां पर स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से प्रत्याशियों ने अपना अपने दम खम के साथ चुनाव की तैयारियां की, चुनाव लड़ा, और उसके बाद आज जो नतीजा है इससे ये साबित हो जाएगा कि आज किसने कहां पर बाजी मारी है और किस तरीके से आज का जो परचम है, किस विपक्ष पार्टी ने आज अपना परचम लहराया है। और यहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि भाजपा की जो सीट है वो बरकरार, जो दबदबा है गाजियाबाद के अंदर, जिस तरीके से भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो ज्यादातर जीत दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि गाजियाबाद का जो जो नगर है गाजियाबाद का, वो गढ़ है बीजेपी का, नगर निगम का जो मेयर का जो चुनाव होता है ये मेन मुख्य होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर मेयर प्रत्याशी है, इनके ऊपर नजरें टिकी रहती है, जिसके ऊपर सभी लोगों की उम्मीद जो है वो वहाँ बरकरार रहती है, वहाँ पर उनकी निगाहें रहती है। आपको बता दूं कि वहाँ पर सुनीता दयाल सबसे आगे चल रही है, भाजपा के प्रत्याशी है, और यहाँ पर सबसे आगे तेजी से जो 12 राउंड की गिनती हुई है, अभी तक 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, वहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। और आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पे सपा चल रही है, तो कहीं ना कहीं टक्कर भी है और लोगों में भी काफी उत्साह है, ये देखने को मिल रहा है कि कितनी जो टक्कर है, कितनी मेहनत जो है वो तमाम पार्टियां जो है सभी ने अपना अपना दमखम दिखाया था, जिसका आज रुझान जो है वो सामने आने वाला है। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ लगातार बीजेपी ने दौरे किए, रैलियां की और कड़ी मेहनत की थी, बड़े बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो बड़ी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिला जो राज्य है वो बड़ा है और जिले की संख्या, अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ऐसे में जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो मेहनत यहाँ की थी उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अजीत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सबसे बड़ी टक्कर जो है वो गाजियाबाद के लोनी में दिखाई देने वाला है, और दूसरी जो गाजियाबाद का जो सीट है वो नगर खोड़ा नगर पालिका का दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो जो प्रत्याशी हैं वो दमखम के साथ उन्होंने पूरा रैली निकाली और पूरे तमाम जो सभाएं हैं वो किए, तमाम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा वहां पर, कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ा। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका से फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा की पत्नी मोहिनी शर्मा जो है वो फिलहाल आगे चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा है कि ये जो टक्कर है, फिलहाल गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है, कई राउंड जो है वो गिनती हो चुकी है और कई राउंड रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ये देखने वाली बात होगी कि फिलहाल निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है और भाजपा का, क्योंकि गढ़ माना जाता है गाजियाबाद। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि लोनी का जो हिस्सा है, लोनी के जो प्रत्याशी है निर्दलीय, कई लोग निर्दलीय भी खड़े हुए थे, और आपको बता दूं कि भाजपा के सामने जो टक्कर देने वाला जो चेहरा है, आपको बता दूं रंजीता धामा जी जो है वो वहां पर अहम चेहरा है जो टक्कर दे रही है भाजपा को, पूरी तरीके से टक्कर दे रही है। फिलहाल लोनी से जो महागठबंधन RLD जो बताते हैं कि फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं, और उसके बाद साथ साथ ये भी बता दूं कि कई राउंड की गिनतियां जो है वो बाकी है, तो कहीं ना कहीं टक्कर का जो रुझान है वो देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल हिमांशु, नगर पालिका हो चाहे वो मेयर पद हो, अभी तक जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं वहां बीजेपी का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल पूनम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का जो दबदबा है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात आपको यही बता दें कि यहाँ पर एक वार्ड है जहाँ पर लगातार 25 साल से पार्षद रहे कमल शुक्ल बेदी को जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सेनमारी करी है। वहाँ से इस बार गर्ग जो है वहाँ के पार्षद बना हुए हैं, प्रत्याशी हुए। ऐसी कई जगह है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सेनमारी करी है। और इन्होंने काफी कानपुर की अगर हम बात करें कि उनके मंत्रियों के दौरे थे, सीएम के दौरे थे, ये काफी अच्छे कारगर साबित हुए हैं। अगर वार्ड में जाकर जिस तरह मंत्रियों ने प्रचार प्रसार किया, जनता को अपने साथ में बैठाया और उनसे बात करी, जनसंपर्क किया, और जो प्रबुद्ध महिला संगठन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये भी करती नजर आई पूरे चुनाव में, निकाय चुनाव में इन्होंने महिलाओं का जो एक मतलब सम्मेलन किया वो भी अच्छा खासा कारगर साबित हो होता दिख रहा है। बिल्कुल हिमांशु, अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो करीब करीब 17 में से 15 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी ही अभी तक आगे चल रही है। जी पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो अच्छा उसका ठीक ठाक के साथ चल रहा है और काफी जिलों से वो आगे चल रही है। और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर की जो मेयर प्रत्याशी है प्रमिला पांडे। चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे हिमांशु। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बदायूं से आप प्रत्याशी की जीत सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बदायूं में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। सहसाबान नगर पालिका से आप प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिए गए। मोहम्मद अकरम वार्ड नंबर 5 से विजयी घोषित। तो बड़ी जानकारी नगर निकाय चुनावों को लेकर, आज मतगणना जारी है। बदायूं में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। सह सुवान नगर पालिका से आप प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिए गए। मोहम्मद अकरम वार्ड नंबर 5 से विजयी हुए हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से अजीत अगर देखा जाए तो बदायूं में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी शुरुआत है आम आदमी पार्टी का। उन्होंने कदम रखा है उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से धीरे धीरे जो जनसभाएं उन्होंने की है, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है। आपको बता दूं कि फ्री बिजली पानी के जो संदेश उन्होंने दिया है लोगों को तक पहुंचाया है। लोगों को जो दिल्ली का जो नियम है, जो दिल्ली के जो पाठशाला है उसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि बिजली पानी और शिक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कदम रखा है और उसके बाद अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है पूरे दमखम के साथ। तो कहीं ना कहीं ये परिणाम जो है वो सामने देखने को मिलने वाला है। और ये बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम समय में इतनी जगह जो है वो बनाई हुई है। और आपको बता दूं कि अपने दमखम के साथ जो है उन्होंने ये खाता खोला है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक लाभदायक है। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आने वाले भी चुनाव में कई जगह आम आदमी पार्टी जो है वो अपना टक्कर देने वाले प्रत्याशी भी उतारेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह जो है वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार आम आदमी पार्टी कोशिश करती रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी बदायूं की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो अब ताजा अपडेट्स क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी रुझान जो है वो चल रहा है। लगातार जो राउंडिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और आपको अभी भी बता दूं कि जो बढ़त है वो लोनी से जो बढ़त है वो बराबर बनाए हुए हैं। आरएलडी के जो आरएलडी की रंजिता धामा है उन्होंने बढ़त बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि थोड़ा नगर पालिका, ठीक है हिमांशु लौटेंगे आपके पास। इसी बीच मेरठ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो मेरठ से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर, यहां मेरठ नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी के हरिकांत अहुलावालिया आगे चल रहे हैं। हरिकांत अहुलावालिया 11,843 वोटों से आगे निकले। तो मेरठ नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बनाई, बीजेपी के हरिकांत अहुलावालिया आगे चल रहे हैं। हरिकांत अहुलावालिया 11,843 वोट से आगे चल रहे हैं। तो अजीत, मेरठ में भी लगातार बीजेपी जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं,
उनका दौरा अहम माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रत्याशी को जमीनी स्तर पर मैदान से उतारा और दमखम के साथ लड़ने के लिए आगे भेजा और उनका प्रस्ताव रखा। और उसके बाद आपको बता दूं कि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश की जो सभाएं हैं वो उन्होंने की, तो ये सबसे बड़ा जो फर्क है वो यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि जब प्रत्याशी जब उस गांव का जो मुखिया है वो सबसे मजबूत कड़ी उसमें उतरता है, तो उसके बाद जब अपने जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनको आदेश देता है, उनको उनकी पकड़ मजबूत बनाता है, तो कहीं ना कहीं ये रुझान जो है वो दिख रहे हैं आपको, और उसका परिणाम जो है वो सामने निकल के आ रहा है। तो ये बीजेपी की एक बड़ी सफलता है जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो सामने आया था, जो सभाएं थी उसका ये परिणाम है कि तमाम जो जिले हैं उस पर भाजपा जो है पूरे दमखम के साथ ये सामने रुझान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजीत, हिमांशु आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार जिस तरह से अजीत ने कहा कि जो मेहनत बीजेपी ने दिखाई थी मैदान में उतरकर, और बड़े बड़े मंत्रियों ने लगातार सभाएं की, लोगों से अपील की वोट देने की, मतदान करने की, घरों से बाहर लोग निकलें और मतदान करें, साथ ही साथ बूथों पर भी व्यवस्था लोगों के लिए की गई थी, ऐसे में अगर कानपुर की अगर इस समय की बात की जाए तो ताजा अपडेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए हिमांशु। जी पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ताजा अपडेट की अगर बात करें तो कानपुर नगर में जो पार्षद चुनाव हुए थे उसमें 9 जगह बीजेपी का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। और सबसे अच्छी बात ये रही बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने कई ऐसी जगह पे चुनाव लड़ा जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जीतते आए थे, वहाँ पे बीजेपी ने अपने पार्षद को बनाया और जिताया। तो कहीं ना कहीं तो इनके मंत्रियों का जो जनसंपर्क किया, लोगों से मिले और महिला सम्मान किया, ये कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक रहा। जनता ने सम्मेलन किया, उठे बैठे, इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पकड़ को मजबूत बनाया। और उनका एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत मिलनी चाहिए, तो ठीक उसी ये आदेश पर काम कर रहे थे सारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं इसका जो फल है उनको ये मिलता है, इससे चुनाव में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा हिमांशु आपने। अजीत, जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार शिकायतें रहती हैं लोगों की कि कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं नालियां जो हैं वो निकासी नहीं है नालियों की, घर के बाहर हमने भी कई बार देखा है कि पानी तालाब सड़कें जो हैं वो बन चुकी थी, ऐसे में गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो किस तरह लोगों ने किस विहाब पर मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान में लोग आगे आए? जी आपको बता दूं कि गाजियाबाद का खोड़ा नगर पालिका की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर यह है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी मानी जाती है, दिल्ली एनसीआर का जो हिस्सा है ये अहम है। आपको बता दूं कि यहाँ पर ये तीनों नवेड़ा और दिल्ली और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सटा ये खोड़ा कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी ये मानी जाती है। और उसके बाद आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो पानी की दिक्कत है, तो पानी के ऊपर यहाँ पर इस चुनाव के अंदर पानी के ऊपर ये चुनाव किया गया, और पूरे दमखम के साथ हर विपक्षी पार्टी और जो सत्ता में पार्टी है उन्होंने भी ये जोर शोर से दावा किया कि इस बार जो खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी का निकास करेगा, पानी की जो समस्या दूर करेगा उसको जनता सुनेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी परिणाम सामने देखने को मिलने वाला है कि जो वादे हैं उस पे अपने जो जीत के बाद जो नेता जो हैं वो अपने वादे पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के ऊपर यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, और जो वोट मतगणना के दिन जो वोट दिए हैं लोगों ने, दिल खोल के वोट दिए हैं, और ये रुझान जो है वो साबित करेगी कि इस बार जनता जो है वो काम करने वाले प्रतिनिधि चुनेगी या ना काम करने वाले प्रतिनिधि चुनेगी। क्योंकि पिछले 5 साल से जो कार्य कर रहे थे, जो सत्ता में बने हुए थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेट जो है वो पचाए हैं, जो काम नहीं कर पाए हैं, तो उनको जनता जो है इस बार, गाजियाबाद की जनता जो है इस बार बिल्कुल भी बायकट करने के लिए पूरा दावा कर दिया था उन्होंने, और जो काम करेगा गाजियाबाद के अंदर वही प्रतिनिधि चुना जाएगा। जी चलिए, इसी बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसपी के प्रत्याशी मेयर पद के लिए बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगरा से बड़ी जानकारी, मेयर पद पर बीएसपी प्रत्याशी आगे, 8 राउंड के बाद लता वाल्मीकि 7,000 वोट से आगे चल रही हैं। फिरोजाबाद नगर निगम में बीजेपी 18,000 वोट से आगे। खैर नगर पंचायत से आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, आपसे संजय शर्मा 2,214 वोटों से आगे चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, लगातार अब बीएसपी प्रत्याशी भी आगे आ रहे हैं, रुझान जिस तरह से धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अगर गाजियाबाद की अजीत हम बात करें तो पहले नंबर पर बीजेपी साफ साफ बढ़त मिलाते हुए नजर आ रही है। अब दूसरे नंबर पर अगर पार्टी की बात करें तो कौन सी पार्टी सामने निकल कर आ रही है अजीत जी? देखिए, पहले नंबर पर तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का गढ़ है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कोई भी प्रत्याशी अगर बीजेपी के नाम से अगर उतरता है, बीजेपी अगर उसे उतारती है, तो बीजेपी का दबदबा बना रहता है। इसीलिए पहला स्थान जो है वो बीजेपी को दिया जाता है जनता की तरफ से। और आपको बता दूं कि दूसरा स्थान जो है वो सपा का आता है, क्योंकि सपा इसके बाद कोई अगर पार्टी है और अगर कोई विकास करने वाली लोगों के अंदर अगर दिल के अंदर कोई जगह है तो सपा की है। क्योंकि सेकंड जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं वो ये दावा कर रहा है कि जो सेकंड नंबर पर स्थान जो है वो सपा का दिया जाता है। और अजीत, अगर वार्ड नंबर एक की बात की जाए तो वहाँ की क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर एक का जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर निर्दलीय भी लोग खड़े हुए थे। और आप इसी के साथ साथ जो निर्दलीय लोग हैं प्रत्याशी में इस बार जो खड़े हुए हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल रुझान चालू है, रुझान की स्थिति के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वार्ड नंबर एक से कौन प्रत्याशी जीत दर्ज करा है। फिलहाल निर्दलीय का भी नाम सामने आ रहा है और भाजपा का जो प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी है, वो भी टक्कर दे रहा है। तो ये कुछ देर बाद ये नतीजा जो है वो पता चल जाएगा जब हम आप सबके समक्ष रखेंगे। जी ठीक है हिमांशु, ताजा अपडेट क्या है कानपुर की अगर बात की जाए? ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से लंच खत्म हो चुका है, कुछ ही देर में यहाँ पे जो पुनः गणना शुरू हो जाएगी, कुछ ही देर में हम आपको इसका ताजा अपडेट जो है वो अवगत करा पाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसी बीच गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी मेयर पद के लिए आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है। तो करीब 90,000 वोट से सुनीता दयाल की जीत। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी को बढ़त, बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज कर ली है। करीब 90,000 वोटों से सुनीता दयाल की जीत। तो वही गाजियाबाद से लगातार बीजेपी की बढ़त, हमने आपको बताया कि वहां की सुनीता दयाल जो है वो जीत चुकी हैं। ऐसे में लगातार अभी रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।